हेलो स्टूडेंट्स हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल यूट्यू चैनल आज हम लोग क्लास नाइन्थ साइंस का एक टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ने वाले जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है सो अरनेस रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज विद इन एन एटम अरनेस रदरफोर्ड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है तो रेडफोर्ट ने एक, 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 एक एक्सपेरिमेंट किया सो इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स फॉर मेड टू फॉल ऑन द थीन शीट तो उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट में क्या किया अल्फा पार्टिकल्स को थीन शीट पर भेजा जिससे कि वो पता लगा सके कि एटम क्या है एटम्स के बीच में क्या होता है सो ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉल बिकॉज यू वॉन्टेड अ थी लेयर एज पॉसिबल तो उन्होंने गोल्ड फॉल सिलेक्ट करी और वो चाहते थे कि एक बहुत पतली सी लेयर वो चूज करे आन दिस गोल्ड फॉयल वॉज अबाउट वन थाउजेंड आइटम्स थे और वो जो गोल्ड फॉयल है वो वन थाउजेंड आइटम्स की जितनी ही मोटी रहती है अल्फा पार्टिकल्स एट द डबली चार्ज हीम आय अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो चार्ज है वो हिलियम आयन से डबल है सो दे है मास ऑफ फॉर यू सो अगर हीलियम का डबल है तो इट मीज़ अल्फा पार्टिकल का मास होगा फोर यू सो द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी सो जो अल्फ़ा पार्टिकल से, उसमें कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी सो इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फ़ा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड फॉर ये भी सोचा जा सकता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपना पाथ भटक जाएंगे अल्फा पार्टिकल्स बहुत हैवी होते प्रोटोन्स के कम्पेरिजन में इसलिए वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन हमको नजर नहीं आएगा सो so, यहाँ पर भी आपको एक डायग्राम प्रिपेयर करना है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय्ड फॉल कि कैसे गोल्ड फॉल में अल्फ़ा पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं सो बट द अल्फा पार्टिकल्स कैटिंग एक्सपेरिमेंट गे हेव टोटली अनएक्सपेक्टेड टू जट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर माइंड कुछ ऑब्जर्वेशन बने हैं तो क्या है मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉर ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स रहेंगे उस गोल्ड फॉर्म में स्ट्रेट चले जाएंगे एंड कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगे कुछ एंकल से एंड सरप्राइजिंगली वन आउट ऑफ एवरी ट्वेल्व थाउजेंड पार्टिकल्स एपेयर टू रिबाउंड हर बारह हजार पार्टिकल्स में से कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो रिबाउंड हो जाएंगे जो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे सो इन द वर्ड ऑफ रद फोर्ट सो रद फोर्ट के अकॉर्डिंग दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज एंड एज इफ यू फायर अ फिफ्टीन इंच शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट यू So, ये ऐसा कह सकते हैं हम कि अगर हमने फिफ्टीन इंच अगर हमने फिफ्टीन इंच शैल में आग लगाई है किसी टिश्यू पेपर में तो वो टिश्यू पेपर वापस आएगा और हम पर ही हीट करेगा यानी हमको ही लगेगा सो so, ये था रदरफोर्ड का सो so, रदरफोर्ड के कुछ ड्रॉप्स थे यानी कुछ लिमिटेशंस भी थी हेलो स्टूडेंट्स हाई बोर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल आज हम लोग क्लास नाइन्थ साइंस का एक टॉपिक रदाफॉट ड्रॉबैक्स ऑफ रद्द मॉडल ऑफ एन एटम्स सो रदाफोट के एटम में क्या ड्रॉबैक्स रह गए थे क्या लिमिटेशन है वो so, स्टार्ट करते हैं द रिवॉल्यूशन ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल सो जो रिवॉल्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलर ऑर्बिट में वो स्टेबल नहीं है वो फिक्स नहीं है आने पार्टिकल इन द सर्कुलर ऑबिट वो अंडर गो एसिलरेशन जो भी पार्टिकल किसी सर्कुलर ऑबिट में जाता है इट मीन्स उसमें एसिलरेशन हो रहा है एंड जब एसिलरेशन होगा तो चार्ज पार्टिकल एनर्जी को रेडिएट करेंगे एनर्जी रिलीज करेंगे एंड थर्स द रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन्स वुड लॉस द एनर्जी फाइनली फॉल इंटू द न्यूक्लियस अगर वो अनर्जी को लॉस करेंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो न्यूक्लियस पर जाकर ही गिर जाएंगे इफ दिस वर्सो अगर ऐसा हुआ द ऐटम शुड बी हाईली अनस्टेबल सो इससे जो एटम है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा एंड हैंज मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो और वो मैटर उस स्टेट में नहीं आएगा जिस फॉर्म में हम उसको जानते हैं वी नो दैट ऐटम्स आर क्वाइट स्टेबल हमें ये तो पता है कि ऐटम्स स्टेबल रहते हैं वह अपनी पोजिशन चेंज नहीं करते हैं सो so, ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट आए उन्होंने अपनी अलग अलग डिस्कवरी दी सो पहले थॉमसन आया दैन एंड उसके बाद बोहर्स तो सभी एक दूसरे की थ्योरी को फेल करते रहे तो सभी की थ्योरी में कुछ ना कुछ लिमिटेशन थे कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे सो ये जो हमने पढ़ा वो थे रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स यानी उनके लिमिटेशन सो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कुछ और बेसिक क्वेश्चन जानने हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट दे दूँगी जो आप प्रिपेयर करके जाएंगे डेफिनेटली वो एग्ज़ाम में आएंगे ही अगर आपको उनके आंसर्स चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए अगर आपको साइंस में मैथ्स में इंग्लिश में हिंदी या सोशल में किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्लास कोई भी क्वेरी है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं आन बच्चों हाँ एक बात और ये जो थॉमसन मॉडल ऑफ एन आटम है एंडर द इसमें आपको डायग्राम भी प्रिपेयर करना है अगर आप पहले डायग्राम शो करके फिर एक्सपेरिमेंट्स लिखेंगे आंसर लिखेंगे दैन आपकी बाकी ज़्यादा अच्छे से होगी सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए थैंक यू हम राइज डे